जी ओशो की आज वो बुक जो पढ़ रहे थे, तो उसमें ओशो बोलते हैं कि जो मैं दे रहा हूँ ये सीड, जो बीज आप में डाल रहा हूँ, ये तो तुम्हारा शरीर ख़त्म हो जाएगा बट ये इमॉर्टल है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ना कभी तो इसको उपजना ही है। तो क्या शरीर के मरने के बाद में भी ये जो सब चीज़ें हैं, जो ये ज्ञान है और ये जो समझ है, ये कहीं चिपकी, कहीं आगे वाले जन्मों में भी होता है इसको? शरीर के मरने के बाद ज्ञान नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाता है, उसी कुछ नहीं का नाम शांति है ना। तुम शांत कब होते हो? जब दिमाग में क्या चल रहा होता है? कुछ नहीं। और शरीर के जाने के बाद भी क्या बचता है? कुछ नहीं। तो शांति का ही दूसरा नाम क्या है? कुछ नहीं। कुछ थोड़े ही बचता है शरीर के जाने के बाद, क्या बचता है? और कुछ नहीं होने के लिए ही तो तड़प रहे हो तुम। मैं तुमसे कभी पूछूं क्या मामला है और तुम कह पाओ कुछ नहीं, तो मतलब सब बढ़िया है। यही तो तुम्हें चाहिए कि कुछ से कुछ नहीं हो जाओ। तो जन्मों के संस्कार कुछ होते हैं, कुछ होते हैं ना, कुछ। मैं पूछूं क्या संस्कार है तो मुझे कुछ बताओगे, क्या बताओगे? कुछ। उस सब को क्या हो जाना है? कुछ नहीं। यही मोक्ष है, यही मृत्यु है। तो वो तो एनीहाउ हो ही जाता है ना मरने के बाद। आध्यात्मिकता जिंदा लोगों के लिए है। तुम्हें समस्या ये है कि मरने के बाद क्या होगा, या परेशान तुम अपनी जिंदगी से हो? जिंदगी। और अगर तुम्हें ये भी समस्या है कि मरने के बाद क्या होगा, तो वो समस्या तुम्हें कब है? अभी मरने के बाद है वो समस्या, या वो समस्या भी अभी है? अभी। भले ही तुम कहो कि मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ कि 2 साल बाद क्या होगा, लेकिन वो परेशानी तुम्हें 2 साल बाद हो रही है, अभी हो रही है। तो तुम परेशान किससे हो? अपनी तात्कालिक जिंदगी से परेशान हो। आध्यात्मिकता उसके लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे पिछले जन्म के संस्कार हमसे ऐसे लगे हुए हों कि कुछ भी? इसमें शक क्या है, ऐसा ही है। है ही ऐसा। तुम एक गाड़ी लेके आए हो, पता नहीं कहां से तुम गाड़ी अपनी चलाते लेके आए हो, अब यहाँ नीचे खड़ी किए, उसमें कीचड़ ही कीचड़ लगा है। अब तुम क्या ये जांचने जाओगे कि कीचड़ का कौन सा कतरा कब लगा? अरे लगा होगा कभी कहीं, क्या पता इस जन्म में लगा, पिछले जन्म में लगा, कौन जाने अगला पिछला जन्म होता है कि नहीं होता है। एक बात पक्की है, क्या? कीचड़ लगी। गाड़ी गंदी है, साफ करो, बात खत्म। या प्रयोगशाला भेजोगे कि लाल मिट्टी कहां से आ रही है और काली मिट्टी कहां से आ रही है? अरे जहां से आ रही हो, मुझे क्या करना है? साफ करना है। या तुम्हें सुख मिल जाएगा, कोई बता दे कि इस टायर पर जो गोबर लगा है ये चंदुआ गाय का है, इससे साफ हो गई गाड़ी? टायर पे जो गोबर लगा था वो किस गाय का था, ये तुम्हें बता दिया गया, इससे तुम्हें क्या मिला? साफ करो, गाड़ी साफ करो। गाड़ी गंदी है अभी और साफ होगी अभी, अभी। इसीलिए जैसा जीवन सामने है अभी, उस पर ध्यान दो, बाकी सब क्या है? बकवास। अच्छा जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले और कर्म के बारे में जो बोला, तो मैंने मतलब मैंने अभी हाल ही में देखा कि कर्म में क्या गलत कर रहा हूँ, उस पर मैंने पता चला कि मेरी वृत्ति क्या है, तो मैंने उस पर काम भी किया। तो बट वो हमेशा के लिए नहीं हो पाता है, मतलब कभी मैं
कंट्रोल कर लेता हूँ और चीजें को सरल तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन कभी कभार फिर तुमने मेरी बात में अपनी बात की मिलावट कर दी। मैंने ये कहा था कि वृत्ति को कंट्रोल करना है, मैंने ये कहा था कि मैंने कि जो देखो फिर उसके बाद कुछ करो, या ये कहा था कि तुम पहले समझ लो कि तुम्हारा सब करना वरना आता कहाँ से है, और तुम्हारा वही है, लगा दिया आपने ही काम, काम तुम्हारा नाम हमारा, कर दो बदनाम। जैसे मान ली कर्म करेंगे, अब कर्म देखे कि कर्म गलत हुआ तो हो गया ना, तो फिर सोच जो रहे हैं कि हो गया तो पास्ट को तो नहीं सोच रहे हैं। जब गलत हो रहा हो तब देखो, उससे अच्छा कुछ नहीं, पर यदि तुमने अभी तक जो किया उसको भी देख लो, स्मृति को भी देख लो, तो वो स्मृति का सदुपयोग ही है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो बीता था उसको बिसार दो, बीते से बहुत कुछ तुम्हें मिल जाएगा अपने बारे में। ध्यान से समझो कि बीते को बिसारना किसको चाहिए। अगर तुम वो अब हो ही नहीं जो तुम अतीत में थे तो अतीत की परवाह मत करो, पर हम में से अधिकांश लोग वही रह जाते हैं जो वो अतीत के थे, उन्हें अतीत की परवाह करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका अतीत है ही नहीं, वो चूंकि बदले नहीं है इसीलिए अतीत वर्तमान है। तो जब तुम अतीत के बारे में सोच रहे हो या अतीत को देख रहे हो तो तुम अतीत को नहीं देख रहे, तुम वास्तव में वर्तमान को ही देख रहे हो। जो बदल गया हो, जो ये कह सके कि मैं अब वो हूं ही नहीं जो साल भर पहले था, उसे अब साल भर पहले की घटना के बारे में विचार करने की, स्मृति करने की, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पर हमारे साथ ऐसा होता है क्या? हम तो अड़े ही रहते हैं, हम बदलते कहाँ हैं? अगर तुम अड़े ही हुए हो, तुम वही हो जो पहले थे, तो पहले जो कुछ हुआ उस पर गौर करो, वो तुम्हारे काम आएगा। बाय।